सामने है भरा बाजार अभी, पर नहीं कोई खरीदार अभी। तेल सस्ता हुआ है दुनिया में, हमको रखना है बरकरार अभी। फ्यूल एडजस्टमेंट है, बहुत तड़पा रही, तभी तो आ रहे हैं वासे चौधरी। देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है, आज तो बड़ी मैचिंग हुई भी है आपने और रुकमानी की भी है। जी सर जी। और आपको भी माशाल्लाह बास्केट बहुत प्यारी लग रही है। नहीं वो तो मुझे तो लगती रहती है। अच्छा आप कोई भी कपड़े पहने ना, आप लगते ट्रेन के ड्राइवर ही। ड्राइवर हो तो बोगियों की हालत भी देख लीजिए। ठाकर साहब वो बोगी ने वासे भाई जिन्हें तो सिर्फ एक बोरी रखो तो पटरी तो उतर जाती। बंदे वाली बोगिया ने ए डर बंद है जी। हाँ जी बन्ने ने जी। और किसी एक बोगी दे विचो ना जी ट्रेन जा रही थी चक 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 ते हो जी गाएं करके वेख रही थी। वासे भाई वर्गे ना ट्रेन दे ड्राइवर ट्रेन खड़ी करके ते दही भी लैन चले जाते रहे। एक फाटक वाले लाल झंडी दे के खिलार लिया तो उन्हें कही जान लो जी इन्हें लसन चेक करना जी। बुलाते अपने आज के पहले मेहमान को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के अंदर जनाब रंगेश अहमद खान। और हमारी दूसरी मेहमान तशरीफ लाई है कराची से एक्ट्रेस हिरा सोमरो। शो जी आज दोनों मेहमान बड़े प्यारे हैं। हाय हाय हाय। और शेर भी मैं बड़ा प्यारा लाया हूं। जी शान। रंगेश खान आज हमारे मेहमान हैं, केपी से पीटीआई के एमपीए हैं और इनके पहलू में जलवागर हैं मोहनी सूरत वाली एक्ट्रेस। हाय हाय हाय। नाम हीरा है और ताल्लुक बिजनेस सिटी कराची से। बात ना समझाया करो, हर कोई बच्चा नहीं होता। अरे वाह। मीठा आम कभी कच्चा नहीं होता। मेरे जानू ने छाना छा लिया है, ये वाला प्यार कभी सच्चा नहीं होता। आज मैं भी एक शेर सुना ही देता हूँ। अच्छा गाने से बात नहीं बनी थी। जी। शेर भी चले कभी कभी। जी। जो मिला उससे गुजारा ना हुआ। अरे शुक्रा, अरे शुक्रा। जो मिला उससे गुजारा ना हुआ, जो हमारा था हमारा ना हुआ। अरे वाह। दोनों मरते रहे एक दूसरे पर, कोई भी अल्लाह को प्यारा ना हुआ। रंगेश भाई आपको लगता है शेर बहुत अच्छा लगा है। ये नाशुक्री का है जी। नहीं ये नाशुक्री नहीं है, ये कंफ्यूजन है। किस चीज की? इश्क में कंफ्यूज्ड। जो मिल रहा है उसमें खुश होना चाहिए ना। ये भी ठीक है। रंगेश भाई क्या हाल है आपके? शुक्र है पहले तो आपका शुक्रिया कि आप इतनी दूर से तशरीफ लेकर आए। मेहरबानी जी, थैंक यू। आपने शो देखा हुआ है? हाँ देख ले तो कभी कभार मौका मिलता है तो देख लेता हूँ। मौका मिलता है और आपके तो बहुत से दोस्त हमारे पास यहाँ पे मेहमान आ चुके हैं। काफी सारे हमने भी देखा हुआ है। शौकत साहब को बहुत देखा हुआ है। शौकत भाई बिल्कुल बार आए हुए हैं। आपने आने से पहले आतिफ साहब आए थे, शाहराम खान भी जी बहुत आभार है। तो केपी से बहुत दोस्त आते रहते हैं। आते हैं जी। तो आपने किसी को बताया आने से पहले? नहीं मैंने तो बताया नहीं किसी को। अच्छा यानी कि अब उनको अभी पता चलेगा? नहीं मैं तो बस गांव से आया हूँ स्वाबी से। नहीं को फोन वोन तो, करके बंदा कोई नहीं किसी को नहीं बताया जी। ओए होए आप यानी ये भी तो आने यार जाएंगे तो बताएंगे ना सबको। नहीं उसके बाद तो वो आपको बताएंगे। आपके क्या हाल है मैडम? मैं ठीक हूँ। आपने शो देखा हुआ है? बिल्कुल देखा हुआ है। और आप बताकर आई हैं? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं बता के आई हूँ, सब खुश हैं। इवन माय फादर लव्स योर शो। आपके वालिद साहब को पसंद है? बहुत बहुत शुक्रिया उनका। हम अमूमन वालदैन के ऊपर ही चल रहे हैं।
ये पाकिस्तान के तमाम वालदैन जो जहाँ कहीं भी पाकिस्तानी वालदैन मौजूद हैं, वो जिस तरह अपने बच्चों को जबरदस्ती हमारा शो दिखाते हैं, सदके जाओ उनके, आप कायम रहिएगा और अपने असर सुख को इसी तरह इस्तेमाल करते रहिएगा। बड़े ना होते थोड़ा शो ही ना चले। ये तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, बड़े ना होते। सर ये बताइए जी, जी केपी के अंदर क्या हालात हैं अभी? को बेहतरी है? सियासी तौर पे बात कर रहा हूँ। केपी में तो हालात अच्छे हैं जी, हालात अच्छे हैं। हाँ, लेकिन सेंटर के हालात कुछ अच्छे नहीं है। सेंटर के हालात अच्छे नहीं है। स्वी गैस हो गया, बिजली हो गई, फाइनेंसिंग का मसला है वहाँ पे, तो ये चीजें सेंटर के साथ मतलब होती है, तो उस वजह से उनके मामला उधर भी अच्छे नहीं। लोग बेरोजगार हो रहे हैं, एक तो रोजगार खत्म हो रहा है, महंगाई का तूफान है। बिल्कुल। हाँ, तो दोनों तरफ से लोग पिसे जा रहे हैं। और कमाल ये है कि अब कुछ कर भी नहीं रहा कोई। कुछ कर नहीं रहा, जो तमाशा देख रहे हैं, मुझे तो हैरत है। आप यकीन करें कि हमें दिन रात ये फिक्र लगी रहती है कि मुल्क डूबा जा रहा है, कोई कुछ कर नहीं रहा, और जिनके हाथों में हुकूमत है वो छोड़ने को तैयार नहीं। कुछ भी हो जाए, उन्होंने कैसे ख़त्म करने थे तो ख़त्म हो गए। बड़े मियाँ साहब के रहते शायद वो खत्म कर ले जल्दी जल्दी, जान छोड़े चले जाए। ये देखिए अब तो बात यहाँ पे आ गई, वो पीटीआई वाले कह रहे हैं कि मियाँ साहब वाला भी खत्म करें और उसके बाद प्लीज छोड़ दें जान। मगर चंगेज भाई हुकूमत कौन छोड़ता है, ये भी तो एक मसला है ना। हाँ नहीं, हुकूमत तो कर सकता है तो कोई तो न छोड़े ना बेशक। नहीं तो कर भी नहीं सकते ना, करते कर भी नहीं। मगर वो तो समझते हैं ना कि वो कर सकते हैं। नहीं वो तो समझते, लेकिन कौम नहीं समझती कि ये कर रहे हैं। कौम नहीं समझ रही। आप जाके पूछ ले किसी से भी। वो समझते हैं कि वो कर सकते हैं, कौम समझती है कि वो नहीं कर सकते। और नहीं, वो भी समझ रहे कि हम नहीं कर सकते। और जो कौम समझ रही है वो कोई और नहीं समझ रहा। नहीं, खान साहब लोग को नहीं आने देना। हाँ, वो हुकूमत उनको भी पता है कि हम नहीं कर सकते, वो कर भी नहीं रहे ना कर सकते हैं, लेकिन वो कोई ऐसा रास्ता ढूंढ रहा है कि खान साहब का रास्ता रोके। और कोई मसला नहीं है। ये पहली दफा हुआ है कि खान साहब ने सबको एक्सपोज कर दिया। ये तो वैसे गुंडों के एक्सपोज मानने वाली बात है, खान साहब ने जो एक्सपोज कर दिया ना। वैसे आपको है कोई सियासी मामलात या सियासत से दिलचस्पी? दे हम तो कलाकार हैं, देखिए हम सब अच्छाई फैलाते हैं, हम चाहते तो कलाकार के चांद पे रहते हैं, वो भी यहीं पे है। नहीं हम ए पॉलिटिकल। लाइट तो कलाकार के यहाँ भी जाती है, पेट्रोल वो भी डलवाता है। नहीं हम ए पॉलिटिकल, सारे जो पार्टीज में जो जो अच्छे अच्छे अवाम है, जो जो अच्छे अच्छे लोग हैं, उन सबको मिला के एक नई पार्टी बना, एक नई पार्टी। ये बड़ा जबरदस्त इन्होंने मशवरा दिया है और मैं इसी को आगे बढ़ाऊंगा। आप मुझे बताएंगी कि नून लीग के अंदर अच्छे अच्छे लोग कौन से? मुझे नाम भूल जाते हैं। तो आप मुझे शक्लें बताएं, मैं कोशिश करता हूँ गेस करने की। प्यारे प्यारे लोग, अच्छे अच्छे और प्यारे प्यारे नून लीग के लोग इन्होंने कहे हैं। मुझे जरा हिसाब लगाने दें कौन कौन से, इनका प्यारा तो मैं टेस्ट करूँ। शहबाज शरीफ साहब प्यारे हैं, प्यारे एक तो वो है। साद रफीक साहब बहुत प्यारे हैं। आपको आइडिया नहीं है? नहीं है। राणा सनाउल्ला? नो आइडिया। नो आइडिया। आई थिंक मरियम नवाज इज। मरियम नवाज साहिबा और शहबाज शरीफ साहब नून लीग से ले लें, ठीक है। प्यारे हैं। पीपल्स पार्टी से बताएं कौन से प्यारे हैं? बिलावल। बिलावल भुट्टो एक प्यारे हो गए, ठीक है। और कौन से? और उनके अब्बू जरदारी साहब। उनके अब्बू जरदारी साहब भी बहुत प्यारे हैं, ठीक है, वो हो गए। और कोई पीपल्स पार्टी साहब भिजवाना? उनकी बहन भी हैं जो आसिफा, वो भी प्यारी हैं। भुट्टो आसिफा बीबी, वो भी हो गई, ठीक है। और कोई बताइए? बस सही, ये तीन यहाँ से हो गए, दो वहाँ से हो गए। अच्छा, वहाँ नून लीग की तरफ शहबाज शरीफ साहब और मोहतरमा मरियम आपने नाम लिया, मियां नवाज शरीफ साहब प्यारों में आ रहे हैं? वो भी प्यारे हैं। नहीं फाइनल नहीं आप बता पा रही, थोड़ी कंफ्यूज लग रही है। वो भी प्यारे, चले उनको भी डाल लेते हैं। इसहाक डार साहब, मुझे तो शक्ल ही नहीं आ रही दिमाग में। इसहाक डार साहब की शक्ल नहीं आ रही, दो महीने रुक जाए आपको सिर्फ उन्हीं की शक्ल आएगी। तीन वहां से हो गए, तीन यहां से हो गए। पीटीआई से कोई बंदे बताएं प्यारे प्यारे। उन्होंने खान साहब का भी नाम ले लिया, पहले रंगेश खान होंगे, चले जी एक तो ये हो गए। और बताइए पीटीआई से कौन? खान साहब। खान साहब को ले लिया, और तीसरे को बताएं प्यारे आप चाहती हूँ? शेख रशीद। भी ना दिल खराब ना कर। अच्छा, और बताइए शहबाज गिल साहब, मुराद सईद, फवाद चौधरी? प्यारे भाई। नहीं एक देखिए सारे प्लीज, सिर्फ इमरान खान साहब और रंगेश खान साहब होने चाहिए। तीन उधर से, तीन उधर से, दो इधर से, आठ बंदे हो जाए और ये मिलके हुकूमत बना लें। ये आप कहना चाह रही हैं एक पार्टी बना लें तो हुकूमत किसने बनानी है? फिर वो पार्टी जीतेगी तो वो पार्टी जीतेगी। ये तीन पार्टियां जब एक पार्टी में होंगी और वो इलेक्शन लड़ेंगी तो इलेक्शन लड़ेंगी किसके खिलाफ? मौलाना के खिलाफ। मौलाना के खिलाफ। और आप इन सारों में से किसको देखना चाहेंगी वजीर आजम? नहीं मगर अब आप तो उन पार्टियों में है ही नहीं। अपनी पार्टी बनवा रही थी ना। और प्यारे
एंड आई लीड देयर पार्टी। अच्छा आप वजीर आजम बनना चाहेंगी? हाँ जी। और वजीर आजम बन के आप करना क्या चाहेंगी? कुछ भी नहीं, मेकअप। नहीं नहीं, आपको पता है मेकअप करना भी कितना मुश्किल काम है? नहीं नहीं, आप छोड़े उसको, आप क्या बात कर रही है, इनका मेकअप करना हमें पूछे कितना मुश्किल है। फिर बेसिक नेसेसिटीज जैसे खाना, ठीक है, बिजली, लोगों के घर बेसिक नेसेसिटीज हैं, लोगों को खाना मिलना चाहिए। अब जब इंसान भूखा है, उसके घर में खाने को नहीं है, वो बच्चे उसके भूखे मर रहे हैं, वो पहले खाएगा तो कुछ आगे से सोचेगा ना। आई थिंक अ लॉट ऑफ क्राइम्स आर बिकॉज यू आर एम्प्टी स्टमक। फिर आपका बच्चा एजुकेटेड होगा, मतलब दे विल फील इनलाइटेंड, उनको तमीज, तमद्दुन, तहजीब आएगी, बहुत अच्छा, फिर जाके हम कुछ आगे सोच सकते हैं। अभी सिर्फ बहुत बेसिक, अगर मैं वजीर आजम भी बनती हूँ तो आई विल जस्ट वर्क ऑन बेसिक। पीपल नीड फूड, पीपल नीड हेल्थ केयर, and people need education. तीन चीजें ये आपके एजेंडा पे हैं। बहुत अच्छा, क्या बात। और कोई लोगों को बहुत वो नहीं चाहिए होता। अब जाहिर बात है, इन तीन चीजों पे इम्प्लीमेंट करवाने के लिए देयर आर सो मेनी थिंग्स यू हैव टू गो थ्रू, बट फिर वो नहीं होती है। तीन चीजें जो आपने बताई, अगर ये इतनी बेसिक है तो ये इन लोगों से क्यों नहीं अचीव हो पाती? बात बोल गए कि पहले सौरभ डॉलर कर्जा भी चुकाना है, उसके बाद ये चीजें करनी है। उसका क्या करेंगे हम, कर्जा जब पे चढ़ा हुआ है वो तुसी लाना। वो फिर और कर्जा ले लेंगे। अच्छा और कर्जा ले लेंगे, और कर्जा। अच्छा फिर तो आप सही वजीर आजम बन रहे हैं। सारे पॉलिटिशियंस को चाहिए सब सारा वो जो बाहर उनके बैंक अकाउंट्स है, दे शुड जस्ट ओपन देयर बैंक अकाउंट्स इन पाकिस्तान, सारा वो पैसा ले आए, देखते हैं शायद कर्जा हो जाए। वैसे ये बड़ी मुझे मासूमाना बात लगती है, जब भी मैं कहीं पढ़ता हूँ या सुनता हूँ, ये लोग कहते हैं कि तमाम अपने बैंक अकाउंट वापस लेकर आए। भाई अगर वापस लेकर आने तो लेके क्यों गए थे? वो इसलिए लेके गए थे कि ताकि आप लोग उस पर नजर ना रख सकें, ऐसे कि जब दिल चाह आप लोगों ने दबोच लिया। उन्होंने इतनी मेहनत से बाहर लेके गए, आप चाहते हैं कि पूरा प्रोसेस आप वापस करें, ऐसे तो नहीं ना? क्यों रंगेश भाई, सही बात है, पैसे के पीछे खुद चले जाएंगे लेकिन पैसा नहीं लाएंगे। पैसा क्यों लाएंगे? पैसे कभी नहीं लाएंगे। अगर वापस लाने हो तो लेके क्यों जाते? हाँ लेके क्यों जाते, है ना? सही बात, इतनी मेहनत होती है, आपको क्या पता कि ट्रांजैक्शन कितनी मुश्किल से होती है? दे इम्पॉसिबल, इतना कर्जा है जो You can't break even, like it's very difficult. कर्जा तो कैसे उतारेंगे हम, मुझे बताएं। महंगाई पे कैसे कंट्रोल करेंगे? ये मामला बड़े मुश्किल है, पेचीदा है। एक चीज नहीं है कि महंगाई इस तरह हो जाएगी, अच्छा ये फॉर्मूला है 2+2=4 वाला नहीं है। 10 चीज़ें 10 लोगों को मुंह देने होते हैं, और कुछ लोग तो दे डोंट इवन मेक सेंस एंड दे स्टिल हैव ओपिनियंस, फिर उनको भी मुंह देना होता है। तो बेसिकली इज जस्ट लाइक सास बहू की कहानी, गवर्नमेंट चलाना। अच्छा गवर्नमेंट चलाना सास बहू की कहानी। सास बहू का वो जो मामला है, जो मुद्दा है, वो जो लड़ाई है, वो चूंकि कुछ है नहीं तो वो कभी खत्म नहीं। वो आपका तजुर्बा है इस मामले में? जी जी, आई एम मैरिड अलहमदुलिल्लाह। अच्छा तो आप क्या ये कोई तजुर्बे से बात कर रही हैं, ये कि कुछ होता नहीं है? आपका तजुर्बा नहीं है? मैं ना सास रहा हूं ना बहू। खामोशी में भी कोई आई बहुत है, हुकूमत जैसे घबराई बहुत है, मेरी हर पोस्ट को करती है लाइक, वो मेरी वॉल पर आई बहुत है, डिनर पर लेके जाना चाहता हूँ, करूँ क्या जान, महंगाई बहुत है, हाय हाय आ।